शक्तिपीठ ज्वालामुखी में माघ माह के तीसरे गुप्त नवरात्र पर जप पाठ का आयोजन किया गया। 71 विद्वानों व पुजारियों ने मां ज्वालामुखी के मूल मंत्र भैरव गायत्री गणपति मंत्र का विधिवत जाप किया। प्रतिवर्ष ज्वालामुखी मंदिर में दो बार गुप्त नवरात्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनवरी और जुलाई माह शामिल हैं। जुलाई माह में मां ज्वाला इस धरती पर अवतरित हुई थी और ये गुप्त नवरात्र ज्वाला माँ के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। पुजारी सभा प्रधान पुजारी अभिनंदन शर्मा ने बताया कि 9 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में मां ज्वालामुखी के मूल मंत्र के जाप के अलावा गणेश भटुक भैरव सतचंडी का जाप पाठ होगा। नवमे दिन विशाल हवन व कन्या पूजन करके विद्वानों को दक्षिणा अवर्णी प्रदान की जाती है और कन्या पूजन के साथ साथ हलवे का प्रसाद भी बांटा जाता है। मंदिर प्रशासन की तरफ से हर तरफ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन ज्वालामुखी मंदिर में देवी चंद्र घंटा की पूजा की गई। जब पाठ किया गया, माता चंद्र घंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। देवी को सुगंध प्रिय है। सिंह पर सवार माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अधर चंद्र है, इसलिए माता को चंद्र घंटा नाम दिया गया है। जय माता की। आज ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र का तीसरा नवरात्र है, जिसके फलस्वरूप यहाँ यात्रियों की भारी संख्या देखने को मिल रही है और बहुत से भक्तजन जो है वो माता के मंदिर में आज हाजिरी लगा रहे हैं। और ये जो नवरात्रे हमारे, जिनको गुप्त नवरात्रे कहा गया है, ये दूसरे नवरात्रों के समतुल्य ही कहे गए हैं, बल्कि उनसे मैं तो कहूँगा उनसे थोड़ा और ऊपर हैं, क्योंकि इनमें किया हुआ जप तप यज्ञ अनुष्ठान जो है वो गुप्त शिवजी को प्रदान करने वाला होता है। जो कार्य उन नवरात्रों की पूजा में भी ना संपन्न हो पाए, हमारी जो महामारी से आगे जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो हमारे जो मनोवृत्तियाँ हैं वो ना हों, तो वो इस नवरात्रों में की हुई पूजा से सफल हो जाती हैं। तो मैं सभी माता के भक्तों से आग्रह करूंगा कि वो समय निकाल कर आज माता जी के चरणों में हाजिरी लगाएं। और ये हमारे माघ मास शुक्ल पक्ष का महीना होता है, जिसमें ये पहला गुप्त नवरात्र वर्ष का होता है और दूसरा जो है वो आषाढ़ मास का होता है, जिसमें हमारे ज्वाला जी की माता का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन। तो ये जो दो गुप्त नवरात्र हैं ये विशेष ही पूजादायी और फलदायी कहे गए हैं। जय माता की।